हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस सिस्टम। तो ये लेक्चर 5 है, इसमें हम होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले होमोजीनियस लीनियर सिस्टम। होमोजीनियस लीनियर सिस्टम क्या होता है? अ लीनियर सिस्टम इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स बराबर जीरो इज कॉल्ड होमोजीनियस लीनियर सिस्टम। यानी जिसमें अब बेसिकली अब तक हम पढ़ रहे थे ए एक्स बराबर बी जनरल फॉर्म पढ़ रहे थे, जहाँ पे बी अगर जीरो मैट्रिक्स है, जीरो क्रॉस जीरो, जीरो सारे एंट्रीज उसके जीरो हैं, बेसिकली वो एम क्रॉस एन या एन क्रॉस वन या एम क्रॉस वन का जिसका भी होगा, वो बेसिकली उसमें जितने भी कॉलम होंगे सारे कॉलम्स की एंट्री जो होगी वो जीरो होगी। तो उस कंडीशन हम कहेंगे वो सिस्टम है वो होमोजीनियस सिस्टम है। तो बेसिकली होमोजीनियस सिस्टम का हमारे पास एक सॉल्यूशन जो कि जीरो सॉल्यूशन कहलाता है, ए जीरो बराबर जीरो सॉल्यूशन जो है वो ट्रेवल सॉल्यूशन कहलाता है। इसके अलावा जो बाकी जीरो यानी कि एक्स वन जीरो सॉल्यूशन का मतलब है हमारे पास ट्रेवल सॉल्यूशन है, एक्स वन एक्स टू डॉट डॉट जो भी हमारे पास वेरिएबल्स थे उन वो सारे वेरिएबल्स जो होंगे वो जीरो हैं, तो उस कंडीशन को कहलाते हैं ट्रेवल सॉल्यूशन। और अगर इसके अलावा कोई अगर सॉल्यूशन मिलता है तो वो सॉल्यूशन कहलाता है नॉन ट्रेवल सॉल्यूशन। इसके अलावा कोई अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो नॉन ट्रेवल सॉल्यूशन कहलाता है। अब ये कब होगा हमारे पास, जब नॉन ट्रेवल सॉल्यूशन कब होगा, जब हमारे पास डी बराबर एन माइनस एन कोई फ्री मैप पैरामीटर मिल जाएगा तो उस कंडीशन में नॉन ट्रेवल सॉल्यूशन होगा। नॉन ट्रेवल सॉल्यूशन का मतलब है उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी अवेलेबल होंगे। जैसे कि हमारे पास ये है, हमारे पास डज द लीनियर होमोजीनियस सिस्टम हैव एनी नॉन ट्रेवल सॉल्यूशन, ये है हमारे पास, ये चेक करना है कि इस सिस्टम का कोई भी नॉन ट्रेवल सॉल्यूशन है या नहीं। तो ये हमारे पास 3 1 -1 इसमें आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बना लिया, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में सब कॉलम ये एंट्री कॉलम वाइज होती है ये एंट्री, तो ये 3 1 एंड 2 1 1 1 कोफिशिएंट्स की एंट्री होगी, ये हो गया हमारे पास। इसमें हमने रो ऑपरेशंस लगाए, रो ऑपरेशंस के बाद हमने देखा कि इसके हमारे पास इस तरह से मैट्रिक्स बन गया। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये कॉलम जो है पूरी तरह से जीरो है, यानी इसकी रैंक जो है वो 2 है, रैंक 2 है। तो ये इम्प्लाई करता है कि हमारे पास इसके जो सॉल्यूशन होंगे और भी सॉल्यूशंस होंगे, यानी कि इसका एक जो है वो फ्री पैरामीटर है, एक पैरामीटर डी बराबर मतलब 3 जो है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स माइनस रैंक। तो ये हमारे पास जो हो गया, हमारे पास यहाँ पे पैरामीटर्स एक फ्री पैरामीटर्स है, तो यहाँ से इसका मतलब इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे। तो यहाँ से हम बैक ट्रेसिंग कर रहे हैं, बैक ट्रेसिंग करके इसको हम लिख सकते हैं बेसिकली बैक ट्रेसिंग से x1 x2 x3। बैक ट्रेसिंग में हम यहाँ पे किस तरह से करते हैं मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। यहाँ पे जैसे ये मैट्रिक्स है हमारे पास 1 0 -2, इस बार हमें 0 0 जो आर्गुमेंट मैट्रिक्स है बी की फॉर्म को नहीं लेना, 0 1 -3, 0 1 -3 एंड 0 0 0, और ये हो गया x1 x2 x3। तो यहाँ से ये हो गया हमारे पास x1 -2x2 = 0, और यहाँ से हो गया हमारे पास x2 -3x3 = 0, और यहाँ से तो कुछ निकलेगा ही नहीं हमारे पास। अब सपोज लेट लेट x3 बराबर हमने सपोज कर लिया कि t, t कोई एक नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, तो उस कंडीशन में हमारे पास x1 बराबर आ जाएगा 2t एंड x2 बराबर आ जाएगा 3t। तो ये हमारे पास इसके सॉल्यूशंस होंगे। यहाँ से लिख सकते हैं हम x बराबर 2 3, और अगर t को हम बाहर ले लें तो t इसका सॉल्यूशन होगा। लेट इफ v बराबर, अब यहाँ पे हम करें लेट v बराबर 2 3 1, देन x बराबर v t, हेंस एनी सॉल्यूशन ऑफ x टू अ लीनियर सिस्टम कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर v। तो कोई भी सिस्टम जो होगा वो इस वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। अब बेसिकली वी कुछ भी हो सकता है, अगर टी की जगह हम 1 पुट कर लें तो इसकी फॉर्म में तो लिखा ही जा सकता है 2 2 3 एंड 1। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द होमोजीनियस सिस्टम ए एक्स बराबर जीरो, वेयर ए बराबर ये है और बी बराबर तो जीरो है ही। तो पहले सबसे पहले हम आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स जो हम स्टार्टिंग से बनाते आए हुए हैं। आर्गुमेंटरी मैट्रिक्स बेसिकली यहाँ पे 0 0 की एंट्री होती है। यहाँ पे हमने 0 0 की एंट्री इसलिए नहीं ली क्योंकि जब भी हम ए को सॉल्व करते हैं आर्गुमेंटरी मैट्रिक्स होमोजीनियस में चूंकि इसकी एंट्री सारी जीरो है, तो कोई भी रो ऑपरेशन या एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा, वो सारी जीरो रहेंगी। तो इसीलिए हमने इसकी एंट्री को सॉल्व ना करके
सीधा इस ए को सॉल्व किया, और ए को सॉल्व करके हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया। अब हमने देखा कि यहाँ पे ये एक रो है वो जीरो है, एक रो जीरो है, तो इस कंडीशन में हमारे पास रैंक जो है वो इसके टू हो गई, रैंक जो है वो नॉन जीरो रोज जो है वो टू हो चुकी है। अब यहाँ पे फ्री पैरामीटर्स देखते हैं, तो फ्री पैरामीटर्स अगर देखें तो इसके कॉलम कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 माइनस 2 यानी कि 3 इसके फ्री पैरामीटर्स हैं। थ्री पैरामीटर्स होने का मतलब है इसके सॉल्यूशन तो इनफाइनाइट होंगे ही, बट हमें तीन आर्टिफिशियल या हम कहें तीन हमें अपनी तरफ से कॉन्स्टेंट लेने पड़ेंगे, T1, T2 एंड T3, जिनको हम कुछ भी वैल्यूज दे सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास बैक ट्रेसिंग से हम यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ से एक बन जाएगा X1 प्लस, यहाँ से अगर देखें तो इससे ऊपर वाले टर्म से अगर देखें तो बनेगा उससे X1 प्लस 2X4 प्लस सॉरी X1 प्लस X4 प्लस 2X5 इक्वल टू 0, और नीचे वाली से बनेगा X2 प्लस X3 प्लस X5 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे हमारे पास चूंकि हमारे पास थ्री पैरामीटर, हमारे पास फ्री पैरामीटर्स कितने हैं, थ्री, तो यहाँ पे हम तीन को हमें वैल्यू देनी होगी होगी। तो यहाँ से पहले हमने X2 बराबर निकाल लिया, X2 बराबर -X3 -X2, हमने टू को वैल्यू दे दिया, यानी X3 को हमने T2 मान लिया और X5 को T1 मान लिया, तो X2 बराबर क्या आ गया, -T2 -T1 ये आ गया। अब ये वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट करें, तो ऊपर वाले इक्वेशन यानी कि इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो इस इक्वेशन में X1 की वैल्यू हमारे पास नॉन नहीं है, बट X4 की वैल्यू भी नॉन नहीं है, X5 की वैल्यू हमने -T2 दी हुई है, तो एक पैरामीटर्स की और वैल्यू देनी होगी हमें। तो यहाँ पे हमने X4 को सपोज की T3 दे दिया, तो T3 दे दिया, तो यहाँ से हमारे पास X1 की वैल्यू आ चुकी है। तो अब यहाँ से हम X को क्या लिख सकते हैं, X यानी सभी की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास T1 T2 T3 की, क्योंकि ये तो वैल्यू हमने दी थी, और यहाँ से X1 और X2 की वैल्यू निकाल ली है। तो इसको हम मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो T1 V1 प्लस T2 V2 प्लस T3 V3, जहाँ पे T1 T2 T3 कोई भी हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म्स हैं, कॉन्स्टेंट वैल्यूज हैं। तो यहाँ से वे T1 है, T3 है, आर्बिट्री पैरामीटर। इन अदर वर्ड एनी सॉल्यूशन एक्स इज द स्पेन ऑफ V1 V2 V3, यानी कि जो भी अगर हम T1 T2 ये हमारे इसका जो सॉल्यूशन होगा वो इसका स्पेन वेक्टर होगा, यानी इनका लीनियर कॉम्बिनेशन जो होगा, ऐसा वेक्टर जो भी V1 V2 V3, ये V1 है, ये V2 है और ये V3 है, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। ऐसा कोई भी वेक्टर जो कि इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है वो इसका सॉल्यूशन होगा। बेसिकली एक्स बिलोंग टू स्पेन ऑफ V1 V2 V3, तो स्पेन V1 V2 V3 किस तरह से डिपेंड होता है ये हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। बेसिकली स्पेन V1 V2 V3 जो है वो वही सारे सेट सारे बेसिकली सारे वेक्टर्स का सेट जो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखे जा सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि इसका जो स्पेन जो करेगा उसका सॉल्यूशन होगा एक्स। तो बहुत सारे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं इस तरह से। अब फिर यहाँ पे हम एक थ्योरम देख लेते हैं, कंसीडर द होमोजीनियस लीनियर सिस्टम AX=0 वेयर ए बिलोंग्स टू एम एम क्रॉस एन एंड 0 बिलोंग्स टू RM, लेट आर बी द रैंक ऑफ ए, इफ R=N, आर बराबर अगर रैंक जो है वो एन के इक्वल है तो उस कंडीशन में उसका एक सॉल्यूशन होगा जो कि ट्रेवल सॉल्यूशन X=0 होगा, बट अगर हमारे पास X=0 नहीं है तो उस कंडीशन में, सॉरी रैंक जो है एन के इक्वल नहीं है तो उस कंडीशन में उसके नॉन ट्रेवल सॉल्यूशंस होंगे, नॉन ट्रेवल सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। और बेसिकली बी सेट D=N-R, जो ये तो रैंक में से अगर हम नंबर ऑफ कॉलम्स हटा दें, देन देयर एग्जिस्ट वेक्टर्स B1 B2 डॉट डॉट VD सच दैट एनी सॉल्यूशन एक्स ऑफ द लीनियर सिस्टम कैन बी रिटन एज T1 V1 प्लस T2 V2 प्लस डॉट डॉट TP VD। बेसिकली डी जो है उसकी नंबर ऑफ फ्री पैरामीटर्स हैं, उसके स्पेन के जो भी सॉल्यूशन होगा। इन अदर वर्ड एनी सॉल्यूशन एक्स इज इन द स्पेन ऑफ V1 V2 V3 VD, सो VD तक के स्पेन के सेट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नॉन होमोजीनियस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे।